इस बार बजट में एक बात साफ थी, किसान आंदोलन से हारी हुई ये सरकार इतनी तिलमिलाई हुई है कि किसानों से बदला लेने पर आमादा है। पिछले तमाम बजट में किसान के लिए सुंदर सुंदर डायलॉग होते थे, पैसा वैसा नहीं होता था, डायलॉग बड़े सुंदर दिए जाते थे। इस बार पैसा भी नहीं था, डायलॉग भी नहीं था, बस 2.5-3 मिनट के अंदर, 90 मिनट की स्पीच में 2.5-3 मिनट में कृषि के बारे में कुछ बोल बाल के आगे चली गई। अब मुझे किसानों से कोई लेना देना नहीं है, चुप्पी थी। 2022 वो साल था जबकि सरकार की घोषणा किसानों की इनकम डबल करने की इस बजट में पूरी होनी थी। पिछले 5 बजट से सरकार डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का डबरू बजा रही है, इस बार एक शब्द नहीं बोला। किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए की घोषणा हुई थी, महंगाई के चलते चलते उसका दाम अब सिर्फ 5,000 बचा है, कम से कम 6,000 के बराबर तो कर देते, चुप्पी। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड 1,00,000 करोड़ रुपया 2 साल से उसका ढोल पिट रहा है, सिर्फ 2,500 उसमें से अब तक खर्च हुआ है करोड़ रुपया, चुप्पी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्यों ने बंद कर दी है, किसानों की संख्या घट गई है, चुप्पी। मनरेगा 15,000 करोड़ रुपया राज्यों का बचा हुआ है, कह रहे हैं मनरेगा का पैसा कैसे देंगे, चुप्पी। क्या बोली, बोली कि हमने MSP पर 1,00,000 करोड़ रुपए की खरीद की है, 2.37 लाख करोड़ रुपए की खरीद की है। एक बात बताना भूल गई, पिछले साल इन्हीं दो फसलों पे 2.48 लाख करोड़ की खरीद हुई थी, यानी कि खरीद घट गई है। पिछली बार 1,286 लाख टन खरीदा गया था, इस बार 1,208 लाख टन है। पिछली बार 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिला था, इस बार 1.63 करोड़ को मिला है, झूठ भी बोला। केन बेतवा परियोजना, बताना भूल गई कि केंद्र सरकार की अड़चन के कारण ही तो यह परियोजना रुकी हुई थी अब तक। बस एक बात जरूर बोली, ड्रोन, अब किसानों के लिए ड्रोन आएगा, जैसे किसानों की रेल चलती थी ना, ड्रोन आएगा। पहले सरकार सैटेलाइट से देखती थी किसानों को, अब ड्रोन तक मामला आ गया है, लगता है कभी जमीन तक भी पहुंचेंगे। उसके लिए आपको अमृत काल का इंतजार करना पड़ेगा, 25 साल इंतजार कीजिए, सैटेलाइट से मामला ड्रोन और अब जमीन तक पहुंचने वाला है। अब किसान को तय करना है कि इसका जवाब क्या हो।